नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी का पार्ट टू है वो लेकर आए हैं। तो हमने कल वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके थे 20 क्वेश्चन। उसमें आप सभी को मैंने बताया था कि जो क्रिटिकल स्टेज है वो क्या होती है और यहाँ पे जो गेहूं की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये करनाल बंट रोग है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि करनाल बंट है वो गेहूँ और जौ से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, दीमक है वो पौधे के कौन से भाग में नुकसान पहुंचाती है। दीमक के बारे में पूछा गया है, तना, पत्तियां, जड़, फूल। ये जो क्वेश्चन है वो जेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीमक है वो जड़ के अंदर मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है सी आंसर होगा, राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किस्म गेहूँ की नहीं है। तो गेहूँ की किस्म नहीं है, राज 3070, लोक वन, राज 3770 और डी ऑप्शन दिया यहाँ पे GNG। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट रहेगा GNG। यहाँ पे जो GNG 663 है वो अलग वेराइटी है, बाकी ये तीन की तीन वेराइटी है वो गेहूँ की वेराइटियाँ हैं। अब बात करते हैं ये जो क्वेश्चन है वो जेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है। तो जल भराव की आवश्यकता होती है धान, मक्का, गेहूँ, सॉरी धान, धान में, मक्का में, गन्ना में और कपास में। तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन दिया है कि जल भराव की आवश्यकता होती है, तो जल भराव की आवश्यकता होती है वो धान में होती है और सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है वो गन्ने के अंदर होती है। गाइस यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज होंगे कि धान के अंदर जल भराव की आवश्यकता ज़्यादा होती है लेकिन गन्ने के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो 2500 के करीब जो जल की आवश्यकता होती है तो वो है यहाँ पे गाइस जितने दिनों के अंदर धान उत्पादन लेता है उतनी ये पानी को ग्रहण कर लेता है, इससे ज़्यादा पानी को यूज लेता है गन्ना, तो इसलिए गन्ना सबसे ज़्यादा पानी को यूज लेता है। यहाँ पे जो धान है वो धान धान के अंदर जल की यानी कि उपलब्धता होना ज़रूरी है, यानी कि जल भराव होना ज़रूरी है तभी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूँ की सिंचाई हेतु बढ़वार की पद्धत प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। देखिए यहाँ पे मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम के अंदर आता है ये क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उनके अंदर लगभग चांस होते हैं। ये क्वेश्चन जेट 2005 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पद्धत क्रांतिक अवस्था पूछ लिया, देखिए सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज है यानी क्रिटिकल स्टेज है उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि शीर्ष जड़ जमने के लिए यहाँ पे उपयुक्त होता है, यानी कि बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि पर्ल मिलेट किस से संबंधित है, या पर्ल मिलेट फसल का संबंध किस से है, मक्का को, बाजरा को, चावल को या गेहूँ को कहते हैं, किसे कहते हैं पर्ल मिलेट। तो यानी कि पर्ल मिलेट है वो बाजरा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि WCC 75 किसकी किस्म है, बाजरे की, मक्का की, सरसों की और गेहूं की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन का आंसर दे रखा है बाजरा की, WCC 75 होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाजरे से संबंधित क्वेश्चन है, बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, जेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाजरे के उपयुक्त जो बढ़वार है उसके लिए 30 से 40 डिग्री आवश्यक होती है, यानी कि बाजरे के लिए बढ़वार के लिए पूछा गया है, यानी कि वृद्धि के लिए पूछा गया है, अंकुरण के लिए कम आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि जो राजस्थान में सर्वाधिक जो प्रमुख चारा है, यानी कि राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा अनाज वाली फसल कौन सी है, गेहूं, बाजरा, मक्का, ग्वार। तो अगर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाजरा होता है, यानी कि बाजरा चारे के रूप में यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा और जेट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे कि गेहूं होता है, तो गाइस यहाँ पे गेहूं है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में ज़्यादा होता है, लेकिन अदर अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बाजरा ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा बाजरा होता है तो बाजरे को यूज में लिया जाता है, इसलिए आप सभी राइट आंसर है वो बी ही करना, कन्फ्यूज मत हो जाना।
नेक्स्ट में बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त कंडवा रोग साधारणतः किस फसल में लगता है। जेट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा। जो आवर्त कंडवा रोग है उसका संबंध है वो जौ से संबंधित है, यानी कि जौ से संबंधित होगा, बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 31 नंबर, रबी में मक्का की यानी कि राजस्थान में रबी मक्का फसल किस क्षेत्र में बहुतायत से की जाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो मक्का की फसल है वो रबी में और खरीफ में और जायद तीनों ऋतुओं में ली जाती है, और यहाँ पे पूछा इन्होंने कि कौन सी जो रबी है यानी कि रबी ऋतु के अंदर कौन से एरिया में सर्वाधिक ली जाती है या बहुतायत रूप से ली जाती है। तो वो ली जाती है बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा, यानी कि आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यानी कि बांसवाड़ा साइड वाला ये एरिया है, तो उस साइड में ये यानी कि मक्का है वो ली जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मेन्योरिंग जो कि एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ब्राउन मेन्योरिंग है वो मक्का, धान, मक्का, गन्ना, गेहूं, धान की सीधी बुआई, तो यानी कि धान से संबंधित होगी, यानी कि ब्राउन मेन्योरिंग है ये धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, 33 क्वेश्चन है, ककस्त कलिकाओं का जो शाखाएं हैं उसकी बंटवार कहलाती है। शाखाएं निकलना, कले फूटना, गांठ बनना, फूल आना, यहाँ पे ब्रांचिंग, टिलिंग, जॉइनिंग, फ्लावरिंग। तो ये क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 वाली भर्ती थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ककस्त कलिकाओं का जो शाखाएं बढ़ती है वो शाखा निकलना या ब्रांचिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, जिया मेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम क्या है। जो जिया मेज है इनकी अलग अलग से है, तो मैं आपको ये जो मक्का वाली फसल करवाऊंगा उसमें आप सभी को ये जो 7 या 8 है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वीट कॉर्न को कहते हैं, पॉपकॉर्न को कहते हैं, वैक्सी कॉर्न को कहते हैं या सॉफ्ट कॉर्न को कहते हैं। तो यानी जो यानी कि जिया मेज एवर्टा है वो किसको कहा जाता है, तो जिया मेज एवर्टा है वो पॉपकॉर्न को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अम्लीय और क्षारीय दोनों मृदाओं की परिस्थितियों में उगाया जाता है। ये क्वेश्चन है जो एयू कोटा के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम कनेक्ट करवाया गया था उसमें आया था ये, तो चावल, गेहूँ, चकुंदर, जो, तो यानी कि दोनों यानी कि क्षारीय और अम्लीय मृदाओं दोनों के रूप में उगाया जा सकता है, तो चावल को उगाया जा सकता है। तो चावल के लिए यहाँ पे 4 से 6 माना जाता है पीएच मान माना जाता है, तो इस तरह से आप सभी देख सकते हो अम्लीय और क्षारीय, यानी कि जो अम्लीय है यानी कि 4 से अगर बात करें तो 4 है वो अम्लीय में आ जाता है, 4 से 8 भी कर सकते हो क्योंकि जो चावल है यानी धान है वो उगा सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट में, मक्का की उचित बीज दर रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने जेट के बारे में बताया था, जेट में ये क्वेश्चन आया था, अभी फिर से ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा ने कनेक्ट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन डाल दिया, 10 से 15, 20 से 25, 40 से 50 और 4 से 5 केजी, यानी ये क्वेश्चन है वो इसका जो राइट आंसर है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है। कम क्षेत्रफल में जो चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए डेम्पोक विधि, शुष्क क्यारी विधि, गिली क्यारी विधि, SRI विधि, ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो SRI विधि है, इसके अंदर चावल की नर्सरी है वो कम समय के अंदर कम क्षेत्रफल के अंदर तैयार की जाती है। नेक्स्ट में बात करेंगे कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ज्वार के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, APV 15, CSV 10 और CSV यानी 17 और प्रताप ज्वार 1430, यानी कि यहाँ पे जो सूखे सहनशील के लिए होगी वो CSV 17 यहाँ पे होगी, यानी 17 सी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सफेद आने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे गंगा जो
कौन सी वेराइटी है जो सफ़ेद दाने से संबंधित है, यानी कि गंगा सफ़ेद भी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें कि माही कंचन भी नहीं है, माही जो गंगा 11 है वो भी नहीं है, और नवजोत भी नहीं है, यानी कि गंगा 2 है वो सफ़ेद दाने की उन्नत किस्म है। ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम AU उदयपुर यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर ने कनेक्ट करवाया था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। अब बात करें नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता युक्त मक्का का संबंध जीन है OPEC2 ARO1 CRY1 PSY। तो OPEC2 है वो गुण मक्का की गुणवत्ता के लिए यानी कि उपयोगी है, तो ए आंसर है वो राइट होगा। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2013 वाला एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे है कि गेहूँ में टुंडू रोग का संबंध सूत्रकर्मी है, यानी कि सूत्रकर्मी है वो किससे संबंधित है, उस सूत्रकर्मी का नाम पूछा गया है। तो यानी ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती 2013 वाली हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो टिंडू रोग है वो एंग्विनिया टेट्रिसाई यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उससे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि गाइज आप सभी ये पूछ रहे हो कि जो PDF है हम सब कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो गाइज आप सभी को मैंने बताया है एग्री बाय मनोज सर टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए, वहाँ से आप सभी जो फर्स्ट में जो ग्रुप आएगा अपना उसी में ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आप सभी को टेलीग्राम में अपलोड किए हुए मिलेंगे। गाइज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसी तरह की हम डेली आप सभी के लिए वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमने कल वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन किए थे, आज वाले में 20 क्वेश्चन किए हैं, और कल फिर से आप सभी के लिए, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आप सभी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आता रहूँगा, और इसी तरह के पुराने क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए करवाता रहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।